नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं, कक्षा 10वीं पास होने के बाद स्कूल से कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 10वां का एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड आपका 2008 का है, ठीक है। तो पहले इस तरह से ही एडमिट कार्ड मिलता था। यहाँ विषय देख सकते हैं, गणित, रसायन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, अंग्रेजी। पहले इस तरह से सब्जेक्ट था, अब आपका 5 सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड है। परीक्षा पास होने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी आपको पंजीयन रसीद संख्या आपको एक मिलेगा, ठीक है। पंजीयन रसीद संख्या इस तरह से आपको मिलेगा, देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी है, जब भी आप कोई सर्टिफिकेट लीजिए तो उस पर अपना वर्ड मीनिंग सब देखिए। जैसे गौतम कुमार प्रसाद सिंह हमारा जैसे नाम हुआ पूरा, तो टोटल नाम में वर्ड मीनिंग जो भी आए आपका उसको ध्यान से देखिए, एड्रेस देखिए, डेट ऑफ बर्थ भी जो है जैसे 15/1/91 हमारा ठीक है, लिंग मेल लिखा हुआ है, रेगुलर लिखा हुआ है, तो इस तरह से जो है आपको अपना मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर गोपालगंज विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, ये आपका प्रत्याग प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो अपना देखना होगा कि कहीं कुछ मिस्टेकिंग नहीं है। श्रेणी यहाँ देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी से हम पास हुए थे इसलिए प्रथम श्रेणी है यहाँ पे। उसके बाद आपको उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर गोपालगंज आचरण प्रमाण पत्र एक आपको मिलेगा, ठीक है। आचरण प्रमाण पत्र भी मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा मार्कशीट, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये हमारा मार्कशीट है, मैथ में नंबर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है एडवांस मैथ हम लिए थे तो वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश का भी नंबर देख सकते हैं। इंग्लिश का नंबर जो है हमारे टाइम में नहीं जुड़ा हुआ था, और मैथ आप हमारा नंबर जो आया था 468 नंबर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैथ 99 नंबर आया था, एडवांस मैथ में 99 नंबर था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 2 से 3 साल के बाद आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस तरह का जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट बाद में आता है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे प्रमाणित किया जाता है गौतम कुमार प्रसाद सिंह, पिता श्री शिव प्रसाद सिंह, रोल कोड, रोल नंबर, क्रमांक, जन्म तिथि अपना मिलाना होता है, सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। 2006 देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिविजन से उत्तीर्ण, इस तरह से जो है अपना मिलाना होता है सब कुछ कि ठीक है कि नहीं। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।